आइए क्लास 7 के 10वां पाठ संस्कृत के अंतर्गत 10वां पाठ जिसका शीर्षक है गुरु धेनु ख। इसके पूर्व गुरु धेनु क आप पढ़े थे 9वां पाठ में। 10वां पाठ में क्या है? गुरु धेनु ख माने गुरु की गाय। दूसरे नंबर पे कहानी, उसकी बची हुई कहानी आगे है। गुरु निर्देशेन नृपति दिलीप तस्य पत्नी सुदक्षिणा च नंदनीयान धेनु सेवया तत्परो अभवताम। गुरु के निर्देश से जब ये सुदक्षिणा और उनकी उनके पति यानी दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थे तो गुरु ने क्या कहा कि मेरी गाय जिसका नाम नंदनी था उसकी सेवा करें, उससे उसका लाभ मिलेगा। तो गुरु के निर्देश पर नृपत दिलीप राजा दिलीप तस्य पत्नी सुदक्षिणा और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने नंदनी गाय की सेवायाम तत्परो अभवताम, सेवा में लग गए। कौन कौन? दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, माने राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने नंदनी गाय की सेवा में अपने दिन रात को लगा दिया। निपत प्रतिदिनम धेनु बने नयति अस्मा। निपत माने राजा जो था प्रत्येक दिन उस गाय को वन में ले जाता था। सा यत्र इच्छति स्म, वह जो चाहती थी जहाँ चाहती थी तत्र गच्छति स्म, वहाँ वो ले जाते थे। यदा सा चलति स्म, जब वह चलती थी, वह नंदनी गाय जब चलती थी तदा नृपति अपि धेन्वा सह चलति स्म, तब वह राजा भी उस गाय के साथ चलते थे। यदा सा उपविशति स्म, जब वह उपविशत मैंने बैठती थी तदा नृपति अपि उपविशति स्म, तब राजा भी बैठते थे। नृपति धेन्वा सह सदा अतिष्ठत, वह राजा उस गाय के साथ हमेशा रहते थे। तस्या रक्षाया च तत्पर अभवत, और उसकी रक्षा में वह लगातार लगे रहते थे। एकदा नृपति वनस्य शोभायाम दर्शने निमग्न अभवत, एक दिन वह राजा वन की शोभा को देखने में निमग्न हो गए, माने बहुत लीन हो गए। वन की सुंदरता को, उसके वृक्षों को, उसके पुष्पों को देख करके बहुत लीन हो गए। स सुंदरान वृक्षान गिरे रम्या भूमि निर्झराण च पश्यति स्म, जब वह सुंदर वृक्षों, पर्वतों, सुंदर भूमि और निर्झर माने झरने को देख रहे थे। प्रकृति सौंदर्येण तस्य चित्तम मुग्धम अभवत, तो प्रकृति के सुंदरता ने उनके मन को मुग्ध कर दिया, मन को प्रसन्न कर दिया। सहसा सधेनो ध्वनि ध्वनिम आकर्षत, अचानक माने गाय की तरफ से उनका ध्यान भटका और वह सहसा सधेनो ध्वनिम आकर्षत, और वह जो गाय थी अचानक कातर आवाज करने लगी। धेनु ध्वनिना स अनुभवत, उस गाय के ध्वनि से वह अनुभव किए यत कि धेनु केनचित पशुना पीड़िता अस्ति, वह गाय किसी जंगली पशु से पीड़ित है। स तत्कालन एव तत्र अगच्छत, वह शीघ्र ही वहां गए। यत्र धेनु ध्वनि आगच्छति अस्मा, जहां से उस गाय की आवाज आ रही थी। स अपश्यत, वहां जाने के बाद उन्होंने देखा यत कि धेनु एकस्य सिंहस्य आक्रमणेन व्याकुला भीता अस्ति, कि उन्होंने वहां जाकर के उन्होंने देखा कि एक सिंह उस गाय पर आक्रमण कर दिया है और उस आक्रमण से वह गाय भीता बहुत डरी हुई है। निपत सिंहस्य नाशाय यत्नम अकरोत, निपत में राजा जो था सिंह से मैंने सिंह का न आशा यत्न अकरोत, मैंने वह मैंने छोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा था, परम सफल न अभवत, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पा रहा था। तदा नृपति सिंहम अवदत, तब राजा ने सिंह से बोला। आपको पता होगा सतयुग में जानवर भी मनुष्य की भाषा बोलते थे। भो सिंह, हे सिंह, अद्य मम हस्तो बाणम चलने असमर्थो हस्त, आज मेरे हाथ बाण चलाने में असमर्थ है।
त्वम मम्स मांसम खाद, तुम मेरे मांस को खा लो। गुरु धेनु न त्यज, गुरु धेनु च त्यज, और गुरु के धेन को माने गुरु के गाय को छोड़ दो। राजा क्या कहते हैं कि आज मैं बाण नहीं चला सकता हूँ, मैं इसमें असमर्थ हूँ, कहीं बाण चलने पर धेनु माने गाय को ना लग जाए, इसलिए तुम मेरे मांस को खा लो और मेरी गुरु के गाय को छोड़ दो। अहम एतस्या रक्षायाम नियुक्तिम अस्मि, क्योंकि मैं इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूँ, मैं इसकी रक्षा के लिए निरंतर इसके साथ हूँ। दिलीपा सिंह से समीपे आगच्छत, दिलीप जो थे राजा दिलीप सिंह के पास गए। परम तत्र चमत्कार अभवत, लेकिन वहाँ एक चमत्कार हुआ, क्या हुआ देखिए। धेनु निपतिम अवदत, वह गाय राजा से बोली, निपते त्वम कर्तव्यम परायण अस्सी, तुम अपने कर्तव्य में परायण हो। स्व प्राणे प्राणे अपि मम रक्षाय तत्पर असी, अपने प्राणों को दे करके भी मेरे रक्षा के लिए तत्पर हो, तैयार हो। धन्य त्वम, तुम धन्य हो। वत्स उतिष्ठ, हे पुत्र उठो। अत्र सिंह नास्ति, यहाँ कोई सिंह नहीं है। सा तो मम माया आसीत, वह तो मेरी माया थी। उतिष्ठ उठो, त्वम सर्वगुण संपन्नः पुत्रम अधिशिज्ञा पुत्रम अधि गमिष्यसि, मने तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र मिलेगा। दिलीपः नेत्रे ऊपर करोति, दिलीप ने अपने नेत्र को जब ऊपर किया, पश्यति तो क्या देखे, यत तत्र सिंहः नास्ति, वहाँ कोई सिंह नहीं है। केवलम नंदनी धेनुम सच, और वहाँ केवल नंदनी गाय है। च एव अस्तः, माने वहाँ केवल वह गाय है और वे हैं। दिलीप नंदन्या वरदानेन संतुष्ट अभवत, दिलीप उस नंदनी के वरदान से, नंदनी गाय के वरदान से संतुष्ट हुए। तया च सह सह महर्षि वशिष्ठस्य आश्रमम अगच्छत, और उसके नंदनी गाय के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वह गए। सर्वा कथाम सब मुखे पत्नी च अकथयत, और सभी कथा अपने मुख से अपने पत्नी से बोले। तदा तौ तो प्रसन्नो अभवताम, उससे वे दोनों प्रसन्न हो गए। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। एव निपत दिलीपः धेनु वरदानेन एकम सर्वगुण संपन्नः पुत्रम अगच्छत, और इस प्रकार निपत दिलीप धेनु उस गाय के वरदान से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र हुआ। यस्य अभिधानम रघु आसीत, जिसका नाम रघु था। रघु एव रघुवंशस्य आरंभ अभवत, रघु से ही रघुवंश का आरंभ हुआ। स श्री रामस्य प्रपितामह आसीत, वह श्री राम के प्रपिताम माने परदादा थे। कैसे थे कि रघु के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के पुत्र राम थे, इस प्रकार वह प्रपितामह थे, उनके पितामह माने दादाजी थे। अब आगे देखिए शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस पूरे चैप्टर का अर्थ सारांश आपको लिखना है, अर्थ जैसा कि निर्देशित में है अभ्यास प्रश्न में वैसे लिखिएगा, शब्दार्थ अपनी कॉपी में पूरा लिखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका व्याकरण और अभ्यास प्रश्न, ये तो मौखिक है फिर भी देखिए। निपत दिलीपा कस्या सेवायाम तत्पर अभवत, किसकी सेवा में लगे हुए थे। गावह बने यदा धेनु चलती अस्मा तथा निपत किम करोती, जब वो गाय चलती थी तभी तो राजा चलते थे, तो जब वो धेनु चलती अस्मा तथा निप अपि चलती अस्मा। प्रकृति सौंदर्य ने निपते किम चित्तम कीदृशम अस्ति, यानी मुग्धम अभवत। धेनु कस्मात भीता आसीत, कैसे डरी हुई थी, उस सिंह से बाघ से डरी हुई थी ना। निपत धेनु रक्षाए किम अकथयत, राजा ने धेनु से रक्षा के लिए क्या कहा कि तुम मेरे मांस को खा लो, मेरे गुरु के गाय को छोड़ दो। रघुणा सह श्री राम से कह संबंध आसीत, प्रपितामह संबंध आसीत। ठीक, ये प्रश्न लिखने हैं आपको, और धेनु शब्द का रूप लिखना है, साधु शब्द का रूप लिखना, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, धेनु साधु का शब्द रूप एक ही है। देखिएगा संधि विच्छेद है, यत्र इच्छति, यत्र धन इच्छति गुण संधि है, तत्र
तत्राम गच्छत तत्र धन अमगच्छत। नास्ति नौ धन अस्ति सब दीर्घ संधि है। पहला गुण संधि है महर्षि महाधन ऋषि गुण संधि है। वशिष्ठस्य आश्रमः वशिष्ठस्य धन आश्रमः। यस्याभिधानम यस्य धन अभिधानम ये सब दीर्घ संधि है। ये अनुवाद अपने आपको अपने से करना है वीडियो देख करके। फिर संस्कृत में अनुवाद बनाना है। गाय हमारे लिए दूध देती है। गावः अस्माकं दुग्धं दत्तः। दूध बल बल और बुद्धि में वृद्धि करता है। दुग्धः बलं वृद्धिं च बलं बुद्धिं च वृद्धिं अकरोत्। प्राचीन काल में हमारे राजा हमारे देश के राजा गौओं की के भक्त होते थे। प्राचीन काले अस्माकं देशस्य राजा गावः भक्तः भवति स्म भवन्ति स्म हो जाएगा बहुवचन है। वे गौओं की सेवा और रक्षा में तत्पर रहते थे। ते गावः सेवायां रक्षायां च तत्परः वसति स्म। श्री कृष्ण गौओं की सेवा से राष्ट्रनायक हुए। श्री कृष्ण गावः सेवया राष्ट्रस्य नायकः अभवत्। गौओं की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। गावस्य रक्षाया अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। अब इस प्रकार देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। राजा दिलीप उनकी पत्नी सुदक्षिणा जो नंदिनी गाय की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चों आप अपनी कॉपी में इसका अर्थ भी लिखेंगे और अभ्यास प्रश्न भी लिखेंगे। धन्यवाद।